प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर ब्लॉक कांग्रेस गांधी हेल्पलाइन की टीम के साथ चंगर क्षेत्र के अपर लंज, खास लंज, डडोली, मनेई सहित अन्य पंचायतों में गांधी हेल्पलाइन की टीमों को सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीमीटर और स्प्रे पंप दिए, जिससे गांधी हेल्पलाइन की टीम अब गांव में जाकर जनता की सेवा के लिए तत्पर हो जाए। पठानिया ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर पर गांधी हेल्पलाइन के जरिए जरूरतमंद जनता की सेवा की जा रही है। पठानिया ने चंगर कांग्रेस कमेटी को भी आश्वासन दिया है कि सरकार से वे मांग करेंगे कि जल्द ही पीएचसी लपियाण और सीएचसी लंज में जनता को कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए। पठानिया ने कहा कि पहले भी सरकार के ध्यान में ये बात लाई गई थी, अब दोबारा से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से विनम्र प्रार्थना की जाएगी। चंगर क्षेत्र के पीएचसी और सीएचसी में जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन जनता को लगना शुरू हो और चंगर क्षेत्र में पानी की समस्या भी दूर हो। पठानिया ने कहा कि जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारी चंगर क्षेत्र में जाकर जनता की पानी की समस्या को दूर करेंगे, जिससे लोग गर्मियों में पानी के लिए त्राही त्राही ना कर सकें। पठानिया ने कहा कि गांधी हेल्पलाइन के जरिए अगर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो लोकल कांग्रेस कमेटी गांधी हेल्पलाइन पर फोन करें, जिससे जरूरतमंद लोगों की समस्या का समाधान हो सके। कोविड की जो महामारी आज देश के अंदर चली है और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने और जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं और नेता हैं, और ख़ासकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो गांधी हेल्पलाइन कोविड 19 के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर ने बनाई है। हमारे चंगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंगर के कन्वीनर हैं सुरजन जी, हमारे तिलक जी प्रधान उसके सदस्य हैं, पटियाल साहब हमारे मेंबर हैं, उप प्रधान हमारे हेमराज जी, हमारे पप्पू जी, कैप्टन जी जोगिंदर जी, ठाकुर दास जी, हमारे संजू जी पूर्व जिला परिषद। तो कुल मिलाकर आज चाहे वो हारचक्कियाँ हो, लंज हो, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ चंगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का और पंचायत के प्रतिनिधियों का। लंबे समय से लॉकडाउन भी चल रहा है और इन्होंने जो है लोगों की ये मदद कर रहे हैं महामारी, और इस गांधी हेल्पलाइन के जरिए आज हमारा कार्यक्रम था कि हम लोगों को ऑक्सीमीटर पहुँचाएँ, सैनिटाइजेशन पहुँचाएँ और मास्क पहुँचाएँ, और आने वाले टाइम में आज जो हमने हेल्पलाइन ये जारी की है लंबे समय से जो है वो सामाजिक काम कर रहे हैं। इसमें हमने कहा चाहे टांडा की हो, चाहे धर्मशाला की हो, चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल की समस्या हो, किसी को ऑक्सीजन की समस्या हो, जरूर इस हेल्पलाइन पे वो डालें। और हमारी जो जगह जगह पे हमारे हैं गांधी हेल्पलाइन के सदस्य बैठे हैं, पूरे शाहपुर क्षेत्र में भी वो उसकी सहायता कर रहे हैं और यहाँ भी उनकी हम सहायता करेंगे। और निकट भविष्य में भी जो भी जिस तरीके से आज चंगर का हमारी हेल्पलाइन की हमारी जो कोविड 19 गांधी हेल्पलाइन की हमारी जो सारी कमेटी है, मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और हम चंगर की इस क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे वो पॉजिटिव आए हैं, चाहे वो आइसोलेशन में हैं, चाहे वो घर में। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, मास्क पहने आप, सैनिटाइज जरूर करें और सोशल डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखें, और सरकार की गाइडलाइनों का जरूर आप ध्यान रखें, जिससे कि इस महामारी से हम लड़ सकें।